हमें डूबने से कोई बचा नहीं सकता देखिए मेरा ख्याल है जब से पार्टीशन हुआ है 1947 से तब से शायद हम अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस ला ही नहीं पाए इस कितने के जो बहुत सारे और दरीना मसाइल हैं और दरीना मिसाइल की वजह से जो पिसे हुए अवाम है कितने मुल्क आपने देखे हैं जो इस वक्त जो जिनको कहा जिनका नाम लिया जाए देखे ना मुल्कों के नाम लिया जाए सऊदी अरेबिया हरमैन शरीफैन भारत आई टेक्नोलॉजी आपका नाम ले तो दुनिया पर पूछे ना किसी से आप पाकिस्तान का नाम लें क्या? ना में डबल गेमर। पाकिस्तान के लिए ख्वार हो चुके हैं आवाम को पानी और बिजली की टेंशन है आवाम को अपनी सेहत के मसायल का सामना है आवाम को अपने रोजगार और रोजमर्रा के मसायल का सामना है हम हमेशा यही डरते रहे पहले तो हमें यही लगता रहा कि भारत हमारा दुश्मन है

इलाहाबाद छोड़कर यहां पर आते ही ना इस तरीके की बातें पाकिस्तानी मीडिया में हो रही हैं पहले पूरी बात करते हैं वीडियो देखने के बाद आप अपने रिएक्शन दीजिएगा मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में बताना चाहता हूँ वहां पर मिलियन लोग थे जो इंटरनेट पे एक्सेस थे आज उनकी एक्सेस आठ सौ आठ एट हंड्रेड फिफ्टी मिलियन है जो लोग इस वक्त तो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं एक महीने में आठ बिलियन डॉलर की यूपीआई ट्रांजेक्शन होती है आठ साल के अंदर आठ साल के अंदर आज भी किसी चीज की बुनियाद रखें आप पाकिस्तान में मैं कहता हूं नारा किसी जो भी हो आज ये नारा लगाएं इमरान खान को चाहिए चले ठीक शबाज शरीफ किसी को, कोई मुखलस हो पाकिस्तान के लिए कहें जी आया हर शहर के अंदर आईटी सेंटर बनाए आए आए सारा ये काम करें दस साल बाद आप पाकिस्तान की तकदीर बदली दी आज बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाना शुरू करें आज दस साल बाद पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी लेकिन ये जिनके बच्चे खुद लंदन में बैठेंगे क्यों नहीं बात करते ये जिहाद पे क्यों लेके जा रहे हैं बच्चों क्योंकि आपने चीमा साहब यही मेरा है छिहत्तर साल से सा, आप कह रहे हैं क्या कौन सा मुल्क है जो ओवरसीज पाकिस्तानी से पैसे मांग रहा है कौन सा ऐसा मुल्क है जो चालीस कर्जे पर आओ कौन सा ऐसा मुल्क है जो बैंक श्रीलंका से, से भी आपके हालात इन्फ्लेशन में ज्यादा बुरे हैं अफगानिस्तान से भी बुरे हैं कभी मुल्क आपने ऐसे देखे जिनका कारोबार ही जो है वो सिर्फ दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करना कितने मुल्क आपने देखे हैं जो इस वक्त जो जिनको कहा जिनका नाम लिया जाए देखे ना मुल्कों के नाम लिया जाए सऊदी अरेबिया हरमैन श्रिफैन भारत आई टी टेक्नोलॉजी आपका नाम ले तो दुनिया पर पूछे ना किसी से क्या आप पाकिस्तान का नाम ले तो क्या नजर में आता है फ्रॉड धोखा दहशतगर्दी अपॉर्चुनिस्ट डबल गेमर यह नाम तो आप और आप देखें अगले दिन फिर दोबारा पासपोर्टों की लिस्ट आई पाकिस्तान का नाम किधर आपका क्या ख्याल है सबको पता नहीं है पता है सबको पता है ये जितने आप लीडरान हैं आपके सारे हर वक्त ट्विटरों पे बैठे हैं ये सारा दिन आप देखते हैं स्मार्टफोन पे कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या है इस सारा दिन पाउंड की कीमत देखते हैं क्योंकि बच्चे लंदन में तो फिर ये क्योंकि वजह ये कि ये पाकिस्तानी पाकिस्तानी है ही नहीं इनके पास पासपोर्ट पाकिस्तानी है दिल और दिमाग ब्रिटिश और अमेरिकन दुख वाली बात दुख जब तक ये पाकिस्तानी नहीं बनेंगे पाकिस्तान बनेगा ही नहीं मैंने तो आपको कई दफा कहा इन्होंने पाकिस्तान नहीं एक धोखा किया गया है धोखा एक फ्रॉड किया है 1947 में एक बहुत बड़ा फ्रॉड इन्होंने किया है लोगों के साथ इनको कहा है आए आपको पाकिस्तान में क्या वजह है छिहत्तर साल बाद भी इमरान खान का नारा वही है पाकिस्तान का मतलब क्या लाए लाए क्या वजह है कि छिहत्तर साल बाद भी उस बंदे ने पता है इससे मैं जीतूंगा इलेक्शन आज भी उसको पता है मैं इतो ही फ्रॉड लाना है मैं इतो ही टीका लाना है क्योंकि वो ख्वाब आपने पूरे ही नहीं आपने लोगों को लोगों को जमीनों पार किया चीमा साहब कभी एक मिनट के लिए किसी किसी बंदे मैं कहता हूं आज मैं चैलेंज करता हूं बाईस करोड़ लोगों को एक मिनट के लिए उस मुसलमान की जूतों में पांव डालें जो कपूरथले से जलंधर से होशियार से निकला है दो भैया उ एक भैंड को चुप के ला गया है जलीलो अखबार पैदल चल के आया है बीवी को भी मारा है रस्ते में बच्चे छोड़ आया है आपने ये देना था उसको ये देना था आपको मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, हमारे आर्मी चीफ भी उधर से ही आए हैं इंडिया से आए एक मिनट के लिए सोचें ये किया है हमने पाकिस्तान कभी एक मिनट के लिए सोचें और इधर से जो हुआ मैं कहता हूं वो मेरे फिल्म एक बनी हुई है इस इसी चीज पे कि और ट्रैवल प्रिंसेस मेरा कहा ब्लैक वाटर फिल्म का जब से अपनी बच्चियां अपने हाथों के साथ कुओं के अंदर फेंक रहे हैं कि उनकी इनसे लूट लूटी जा रही है इस खौफ से मैं खुद तीन बच्चियों का बाप कभी सोचें आप आपने ये करना था ये कर रहा आपने आपनेटी फर्स्ट सेंचुरी का सबसे बड़ा ब्लैंडर किया है खुद मेरा मैं आज थोड़े तो प्यारी भैर आज ही पाकिस्तान बना लो ये बन सकता है नहीं फिर देखने छो इस नारे का इस्तेमाल ना किया करो पाकिस्तान का मतलब ला ला ला। ये में भी उन्होंने यही ये, ये नारा दिखाया ये, ये अच्छा, मतलब मजे के बाद साहब ये ने. हिस्ट्री ये मैंने भी इसे रिसर्च की है कि ये जो पाकिस्तान का मतलब क्या लाल का जो नारा है ना ये 1947 में था ही नहीं ये नारा जो है मैंने अपनी जब रिसर्च कर रहा था जमत इस्लामी पे तो ये नारा जो था ये 70s, 80s में जम इस्लामी ने लॉन्च कर दिया लेकिन किताबों में इस तरह ले आया कि उन्होंने कहा जी ये इस तरह so, वड़ा वड़ा। लेकिन देखे ना उस वक्त चले पाकिस्तान का मतलब का लाए लाए नहीं बट यही कहा गया था ना जो मुसलमान है इधर आ जाए हम इस्लाम हाँ, बल्कि ये तो हाँ, इसको जो आप नहीं कर सकते मेरे ख्याल पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में है जो रिलीजियस बेसिस पे एग्जिस्टेंस में आया

मेरा मकसद है जो इस, इसको मैं सियासत नहीं कहूंगा जो कुछ भी हो रही पाकिस्तान के ये डॉलर पाउंड के आशक है सारे लोग बस इनको डॉलर दिखा दो पाउंड दिखा दो बस बल्कि अब तो मैं तो ये मेरी तो रिक्वेस्ट है मोदी साहब को भी यार हिम्मत इम, करें आप दुनिया को इतना पैसा मुसा दे रहे हैं आगे पीछे कुछ थोड़े डॉलर पाउंड इनको भी दें आपके साथ भी रिलेशनशिप ठीक करें यकीन करें आपके लिए ये सौदा बुरा नहीं है आपके लिए फायदे का उसकी वजह है कि कि आप टाइगर <laughs> आप आप हमारे भी टाइगर हैं तो क्यों इनको पीछे लगाया थोड़े इनको दे, आपके पास कौन सी पैसे की कमी है? इनको भी थोड़े बहुत दे, अल्लाह दे ना दे, दे दो की <laughs> बिल्कुल सही डॉक्टर साहब ये एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंट कर दे प्लीज पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को 50 साल हो गए आपको क्या लगता है बने हुए पिछले पचास नाइनटीन एंड अब टू इंडिया तो बहुत स्मार्ट निकला उन्होंने तो हमसे पहले ही फिफ्टी वन में कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था हम अभी चले हमने सेवेंटी थ्री में शुरू किया आज भी लड़ रहे हैं बगड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट कोई चीज़ कहती है हुकूमत जो है वो मानती नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर सियासत आए तो ये जो आज का साल है आपको नहीं लगता ये कोई अच्छा जो पॉलिटिकल इवेंट्स चल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को सेलिब्रेट करने के लिए कोई मजा नहीं आएगा इस साल में जहाँ पे हुकूमत जुडिशरी की नहीं सुन रही जुडिशरी के अंदर पॉलिटिक्स है एग्जेक्टिव जो है वो जुडिशरी को फोर्स कर रही है और पार्लियामेंट को फोर्स कर रही है इस तरह करो सो हाउ डू यू सी दिस फिफ्टी पाकिस्तान जी बाहब मैं समझता तो हूँ आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं constitution एग्जिस्ट नहीं एग्जिस्ट करता पाकिस्तान पर स्पीकिंग मैं अपने आप को कई मैं अपने आप मैं कंप्लीटली फेल इन टू द कैटेगरी ऑफ refugee पोलिटिकल रिफ्यूजी मैं आपको यहाँ पे ये यह बताना चाहूंगा कि चीमा साहब मैं जब यहाँ आया था मिलिट्री डिक्टे, डिक्टेटर था पाकिस्तान तो दोस्तों ये यह वीडियो यहाँ पर होता है खत्म आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही है साजिद तरार के द्वारा कि 1947 में जो बंटवारा हुआ वो बंटवारा ना होता तो पाकिस्तान पाकिस्तान के आज मतलब ये हालात ही ना होते पाकिस्तान भारत का हिस्सा होता तो ये सब जो हालात देख रहे हो ये ना होते अब ये ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से तो और हालात ख़राब होते आज के टाइम पे आप देखो भारत में मुसलमान हिंदू शोभा यात्रा निकलती है मुस्लिम एरिया से कैसे निकली है पत्थर चल जाते हैं पॉपुलेशन लॉ लौ आप चाहते लाना चाहते हैं पॉपुलेशन लॉ लाना चाहते हैं नहीं अल्लाह ने तो नहीं बोला भैया अल्लाह ने बोला अल्लाह की देने बच्चे हम नहीं कर सकते इस तरीके का कंपटीशन है हर चीज़ में कंपटीशन हर चीज़ में कंपटीशन वैसा कंपटीशन नहीं कह रहा हूँ मतलब एक वैसा मुस्लिम एरिया में हिंदू को रूम नहीं मिल सकता ठीक है आप हिंदू हो तो मुसलमानों के बीच में कैसे रहोगे हिंदू एरिया में मुसलमानों को रू रूम नहीं मिल सकता ये चीज़ें भारत में हो रही हैं तो सोचें आप बांग्लादेश पाकिस्तान की आबादी बीस बीस करोड़ सोच लें और जोड़ लें तो साठ करोड़ के आसपास की आबादी क्या होता माहौल क्या होता ही चलता होता और कुछ ना होता दंगे ही होते आधे से टाइम यही लगता होता मुसलमान आबादी फोर्स कन्वर्जन में ही लगी रहती ठीक है इतना बड़ा देश बहुत परेशान रहता मेरे हिसाब से बहुत परेशान रहता है ना अखंड भारत वाले भी सोचें इस बात पर हालांकि अखंड भारत तो एक वैसा है वहाँ से भी गजवाए हिंद दोनों साइड से इस तरीके के लोग हैं है ये, ये अखंड भारत में भी यही प्रॉब्लम होती नहीं कर सकते आप कंट्रोल एक चीज़ हो सकती है 1947 में अगर प्रॉपर तरीके से पार्टीशन हो जाता जैसे हिंदू मुसलमान दोनों के लिए अलग अलग देश की डिमांड की थी जिन्ना ने मुसलमानों के लिए तो यहाँ पे भारत में मुसलमानों को छोड़कर बाकी जो नॉन मुस्लिम है वो रहते वहाँ पे मुस्लिम रहते तो भारत का शायद भविष्य बहुत अच्छा होता बहुत ही अच्छा होता आप प्रॉपर पॉपुलेशन लॉ ला सकते क्योंकि विरोध करने वाले हिंदू नहीं हैं भाई नहीं है पॉपुलेशन ला के विरोध करने वाले हिंदू नहीं हैं ठीक है आप वो वो चीज़ें कर सकते जो मतलब जिनका विरोध जिनको जेकर कानूनी ये भी आप देख सकते हो एक वो यूनिवर सॉरी यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकते आप इस तरीके की चीज़ें आप बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते अब आपको क्या कहना है?